हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर IQ में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और एग्ज़ाम के अंतिम पड़ाव पर आप आज पहुंच गए हो, यानी कल सुबह आप लोगों को अपना परफॉर्मेंस दिखाना है, कैसा एग्ज़ाम आपको देना है। और उसी को लेकर टारगेट फॉर IQ की तरफ से मैं सतीन आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ और सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, और आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम दें। ये इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों को तह दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों ने टारगेट फॉर IQ को काफ़ी लाइक किया और सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत मैं आप लोगों का आभारी हूँ और धन्यवाद सभी को। और UPPCS-J के जो प्रीलिम्स पेपर फर्स्ट के लिए मैंने आप लोगों को वीडियोज़ बना कर दी, आई होप, मुझे पूरा भरोसा है कि कल उसमें से काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए आने वाला है। तो देखते हैं कल एग्ज़ाम के बाद क्या आप लोगों को उसमें देखने को मिलेगा। और पेपर सेकंड के लिए भी आप लोगों को अच्छे से परफॉर्मेंस करना है और अच्छे से आप लोगों को पेपर करना है, ठीक है। पेपर निगेटिव मार्किंग है तो प्लीज़ इन सब बातों को ध्यान में रखें, निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करें और वही क्वेश्चन करें जो आप लोगों से आता है, ठीक है। आप अगर 230 स्कोर कर ले रहे हो दोनों पेपर में, 230 प्लस, तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से करिएगा, ला वाले पेपर में अच्छा स्कोर करने के आपके पास बहुत चांस है, अगर GS आपका थोड़ा ख़राब भी जाता है तो, और पेपर GS वाला इजी आ गया तो आप लोगों की बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है। 1/3 निगेटिव मार्किंग है तो प्लीज़ उसको फेस करें। 1/3 निगेटिव मार्किंग का आप लोगों को पता ही है, यदि 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आप लोगों का एक सही भी कट जाएगा। यही आपको ला वाले पेपर में, दोनों पेपर में अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस देना है। और सभी एक दूसरे जो भी आप लोगों के साथ जा रहे हैं तो कोशिश रखें कि पॉजिटिविटी बनाए रखें, अच्छे से एग्ज़ाम फेस करें और बिल्कुल भी नर्वस ना हो, घबराए नहीं। और मैं प्रे करूँगा आप सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम दें और सब लोग मेंस लिखें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और अपने जब भी आप लोगों का पेपर हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कितने आप लोगों ने अटैम्प्ट करे हैं, ताकि उससे पता चल सके, कट ऑफ का एक प्रडिक्शन लगाया जा सके। आप लोगों के फीडबैक के आधार पर ही मैं कट ऑफ को बता पाऊँगा। पेपर जैसे ही हो तो प्लीज़ मुझे तुरंत बताएं और मैं आप लोगों को बताऊं आंसर की, आप लोगों को यहाँ पर मैं तुरंत सॉल्व करके जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा आप लोगों को आंसर की अपलोड करने की, ठीक है। तो आप लोग चैनल से बिल्कुल बने रहिएगा और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं आंसर की आप लोगों के लिए अपलोड करूँ तो आप लोगों पर नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल आप लोगों से फिर, और सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम दें, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, पेपर एकदम इजी आने वाला है। और अपने दिमाग में, अपने आसपास बिल्कुल पॉजिटिविटी बनाए रखें, स्माइल रखें, पेशेंस के साथ अच्छे से एग्ज़ाम दें, चाहे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या लास्ट अटैम्प्ट है, ठीक है। और ख़ुद पर भरोसा रखें और जिसको आप सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, मानते हैं, भगवान को, ईश्वर को, उसको भी आप लोगों को याद करना चाहिए और अपने हार्डवर्किंग का परफॉर्मेंस आप लोगों को अच्छे से देना चाहिए। यही एक अच्छे इंसान का व्यक्तित्व होता है और यही सिविल जज बनने का एक नेचर है। तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड आई विश आप सब लोग अच्छे से आप लोगों का एग्ज़ाम जाए। थैंक यू सो मच। अगर आप किसी का कोई ओपिनियन है, कोई विचार है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।